लिक्विड काम करना है तो यही पेपर चलाना होगा, दूसरा पेपर इसमें चलेगा नहीं, क्योंकि गम आपको यहाँ पे लिक्विड डाल के अगर काम करना है, आईडी कार्ड बनाना है या बेल्ट बनाना है, तो या किचन या लोगो बेच कुछ भी अगर लिक्विड डाल के क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन से करना है तो आपको यही पेपर चलाना होगा, इसी पेपर के ऊपर आपको प्रिंट निकालनी होगी। ठीक है, ये बोथ साइड प्रिंटेबल पेपर आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों तरफ प्रिंट आप कर सकते हो, ये देखिए। लेकिन अभी हमें प्रिंट एक तरफ चाहिए तो हमने एक तरफ प्रिंट निकाली और दूसरी तरफ क्या करेंगे, गमिंग करेंगे। ये जो रोल है गमिंग रोल है, इस गमिंग रोल की मदद से हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ गमिंग कर देंगे। ठीक है, और इसकी क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए, क्वालिटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये प्रिंट निकलेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई एक प्रिंटर चलेगा, इसमें सभी प्रिंटर चलेंगे। आप कोई सा भी प्रिंटर इस्तेमाल करो, सभी प्रिंटर से आपकी प्रिंट निकल जाएगी। ठीक है, आपके पास कोई भी इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है या कोई और प्रिंटर है, तो सभी तरह के प्रिंटर में ये पेपर चलेगा, प्रिंट निकलेगी हाई क्वालिटी। देखिए, प्रिंट निकलेगी इस तरह की हाई क्वालिटी प्रिंट। आपको ये पेपर की क्वालिटी ऐसी है, अगर ये पेपर को आप नियर बाय से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी जो है वो एकदम वाइट क्वालिटी है, और उसके ऊपर जो प्रिंट निकलती है वो प्रिंट आपको एकदम HD जैसी, जैसे लेब से प्रिंट निकाली हो ना, इस तरह की प्रिंट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये प्रिंट आपको इस्तेमाल करनी, ये पेपर इस्तेमाल करना है। कब इस्तेमाल करना है, जब आप लिक्विड कार्ड बनाना चाहते हो तब आपको यही पेपर को इस्तेमाल करना है। अगर आप पेस्टिंग कार्ड बनाना चाहते हो तो नॉर्मल पेपर पे आप प्रिंट निकालोगे चलेगा, लेकिन लिक्विड काम करना है तो आपको यही पेपर, लिक्विड प्रिंट पेपर जो है ये यही चाहिए। इसको हम गमिंग करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रिंट निकालिए जिस अपना जो लिक्विड पेपर है उसको हम गमिंग करेंगे, क्योंकि वो पेपर गमिंग नहीं है। तो गमिंग करने के लिए हमारे पास गमिंग रोल है, ये गमिंग रोल के ऊपर हम ये पेपर को पेस्ट करके और वहाँ से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, हमने एक प्रिंट निकाली है जिसमें तीन लोगो का साइज रखा है राउंड, और एक आईडी कार्ड का सैंपल बनाएंगे आपको दिखाने के लिए। लोगो बैच बनाएंगे, बैक साइड पिन लगाएंगे, एक कीचेन बनाएंगे और एक आईडी कार्ड बनाएंगे, और किस तरह से लिक्विड प्रोसेस से पूरा बनाया जाता है, डाई पेड का यूज करके किस तरह से बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। अब इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग क्योंकि हमने जो पेपर था उस पेपर को हमने क्या कर दिया, गमिंग कर दिया, क्योंकि बैक साइड अब क्या है, गमिंग रोल लगा लिया है। ये सारी चीज़ें आसानी से आपके एड्रेस तक उपलब्ध हो जाएगी, गमिंग रोल हो या ये लिक्विड प्रिंट पेपर हो या पेन हो या डाई पेड हो या क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन हो या फिर किचन की रिंग हो। ठीक है, सारी चीज़ें किचन को हॉल करने, मेकिंग टूल्स जो हो है सारी चीज़ें। अब इसको बारीक बारीक से वन बाय वन कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद हम इसको पेस्ट करेंगे होल्डर के अंदर। ठीक है, होल्डर के अंदर पेस्ट करने के बाद लिक्विड करेंगे। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कटिंग कर लिया है, और अब इसको देखिए होल्डर के अंदर पेस्ट कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, इसी को पेस्ट करना है, बाकी जो लोगो वाली है वो तो डाई पेड से बनाना है तो उसको गमिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है अगर डाई पेड से करना है तो। ठीक है, लेकिन ये होल्डर के अंदर जो पेस्ट करना है उसको सिर्फ गमिंग पेपर बनाना ज़रूरी होता है, जैसे कि ये आईडी कार्ड। अब देखिए, इसमें हमने होल्डर में पेस्ट कर दिया और चारों ओर थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ी है, आप ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। ये जगह क्यों छोड़ी है, क्योंकि जो लिक्विड करेंगे वो लिक्विड होल्डर के साथ चिपकना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अभी देखिए, तीन यहाँ पे हमने कप लिए हैं, ये चाय के जो पेपर कप है थे होते हैं ना, वही है। ठीक है, ये तीन क्यों लिए, देखिए तीनों पे ए और एक के ऊपर बी लिखा है, तो दो में हम ए निकालेंगे, पार्ट ए जो क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन जो है हमारा, वो पार्ट ए हम दो कप में निकालेंगे, और एक में हम क्या निकालेंगे, पार्ट बी निकालेंगे। तो बराबर देखिए 2:1 का जो रेशियो है वो हमारा यहाँ पर कम्प्लीट होगा। अभी देखिए, हमने बी पार्ट निकाल लिया है, अब कप में भी उसी हिसाब से निकालिए कि आप पूरा कप भर रहे तो सभी के सभी पूरे भरने होंगे, क्योंकि आप आधे रखेंगे, किसी में ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो लिक्विड में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है वो एक तो रेशियो का रखना होता है, दूसरा आपको बारिश के मौसम से थोड़ा बचना होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में आपको लिक्विड लेमिनेशन नहीं करना चाहिए, और आपको जहाँ पर भी जगह गर्म है उस जगह पे आप रखेंगे लिक्विड प्रोसेस करके, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बाकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको फ़ोन के ऊपर भी समझाऊंगा, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर देखिए स्क्रीन के ऊपर में है, आपको कुछ भी इंक्वायरी करनी है आप हमें व्हाट्सएप करें। अब तीनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, एक
नए जो कप है उसके अंदर हम तीनों चीज़ों को, दो ए और एक बी, हम इसके अंदर डाल देंगे और उसको धीरे से फिर मिक्स करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे हमने तीसरा कप लिया है, ये सारे उस हिसाब से आप लीजिए जो वन टाइम यूज करके आप इसको डस्टबिन में डाल सके। तो देखिए हमने एक दो पेपर कप, तीन पेपर कप लिया और चौथा एक कप लिया जिसके अंदर हमने तीनों डाले। अब इसको वुडन स्टिक से धीरे धीरे से डेढ़ दो मिनट तक मिक्स करना है। ये अभी आप तीनों को एक साथ मिक्स करेंगे ना तो आपको धुंधला सा दिखेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो, लेकिन आप एक डेढ़ मिनट तक इसको धीरे से मिक्स करेंगे ना तो ये क्लियर दिखने लगेगा। यानी कि तीनों अगर मिक्स हो जाएंगे, तीनों नहीं दोनों, पार्ट ए और पार्ट बी है वो मिक्स हो जाएंगे तो क्लियर दिखने लगेंगे। तो डेढ़ मिनट देखिए मिक्स करने के बाद अब हमने यहाँ पे डाईपेड निकाला है। तो डाईपेड में पहले तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे और उसके बाद उसमें प्रिंट को डाल देंगे, ठीक है। तो डाईपेड में इसमें हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा पहले डालिए, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना है आपको। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये डाईपेड आपको अलग अलग शेप में, जैसे रेक्टेंगल शेप है, ओवल शेप है, सील्ड शेप है, स्टार शेप है, रेक्टेंगल, राउंड, और कोई नया शेप अगर आपके पास है क्वांटिटी में तो हम वो भी आपको बना के डाईपेड दे देंगे। तो अभी देखिए तीनों में हम क्या करेंगे, प्रिंट को रखेंगे और वुडन स्टिक से उसको अंदर की तरफ पुश करेंगे, बस इतना करना है और फिर उसके ऊपर लिक्विड डाल देना है। तो वुडन स्टिक से इसको क्या करना है, आपको थोड़ा सा पुश करके उसको अंदर जाने देना है। देखिए आपको पहली जो लेयर है ना वो कम बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है, कम बनानी है। दूसरी लेयर फिर उसमें ज़्यादा बनाइए, यानी कि जो डाईपेड की जो बॉर्डर है ना उससे भी थोड़ा अपसाइड मतलब आ जाए, उस हिसाब से दूसरी लेयर जो उसके ऊपर आप जो ये डाल रहे हैं ना अभी, वो लेयर आप उतनी बनाइए जो डाईपेड जो है उसकी जो बॉर्डर है ना उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा उसके ऊपर भी आ जाए, ठीक है। इतनी आपको लेयर उसके ऊपर बनानी है। अब इसको देखिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, अब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब जो अपना आईडी कार्ड है, ये आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड में हम क्या करेंगे, इसमें भी अब हम अपना लिक्विड डाल देंगे, प्रिंट को पेस्ट करके रखा है, अब क्या करना है इसमें सिर्फ लिक्विड डालना है। तो वही लिक्विड जो मिक्स किया हुआ बचा हुआ है वही लिक्विड में इसमें भी डाल दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखिए इसमें भी हमने क्या किया है, जो क्रिस्टल लिक्विड लेमिनेशन है, जो हाई क्वालिटी लिक्विड लेमिनेशन है वो इसमें डाल दिया है, ठीक है। ये ड्राई होने के बाद आपको क्वालिटी के बारे में पता चलेगा, ये इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल जाएगी। तो देखिए ये सभी जगह पे फैल चुका है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ घंटों के बाद जब ड्राई हो जाता है, तो ड्राई हो जाता है ना उसके बाद देखिए मैं आपको इसमें से निकाल के भी दिखाऊंगा कि किस तरह से ये दिखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ड्राई हो जाने के बाद इसको बस ऐसे ही क्या करना है, निकाल लेना है। ये ड्राई हो चुका है, ठीक है, ये देखिए थिकनेस वगैरह आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें देखिए प्रिंट जो है ना, जो आपकी डाई की साइज है उसी हिसाब से प्रिंट आप निकाल लेना, प्रिंट को छोटी नहीं रखना है, प्रिंट को उसी साइज में रखना है, तब अच्छा दिखता है, देखिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम बैक साइड एक पिन लगाएंगे और एक बैच को हम क्या करेंगे, हॉल बनाएंगे और वहाँ पे हम अपना जो किचन का रिंग है वो लगाएंगे, ठीक है। देखिए क्वालिटी आप देखिए, क्वालिटी में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा कि क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और ये जब ड्राई हो जाता है तो ये बिल्कुल देखिए, इसको दो तरफ भी बना सकते हैं, अगर दो प्रिंट आपस में चिपका के उसमें रख दोगे तो आगे पीछे दोनों तरफ आपकी प्रिंट आ जाएगी। ये हमने सिंगल साइड बनाया, लेकिन दो साइड बनाना है, आप आइडिया लगाओ आपका बन जाएगा दो साइड भी, ठीक है। अब यही आपको अलग अलग शेप के डाईपेड मिल जाएंगे, जैसे ओवल शेप है, रेक्टेंगल शेप है, स्टार शेप है, सील्ड शेप है, या हार्ट शेप है, या आपको कोई भी मतलब दूसरा अलग कोई शेप ऐसा बनाना है तो भी हम बना देंगे। चलिए अभी देखिए मैं आपको पिन दिखाता हूँ, ये है बैक पिन,
ठीक है, ये बैक पिन जो पॉकेट लोगों पे लोगों या पॉकेट नेम प्लेट बनाने के लिए जो लोगों के पीछे हम इसको क्या करेंगे, गमिंग से चिपका देंगे, बस इतना ही करना है और आपका जो लोगो बैज है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, फिर किचन किस तरह से बनेगी और आईडी कार्ड जो लेमिनेशन किया है उसमें लैनियर्ड कैसे लगाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको ये पिन वगैरह जो है वो यहाँ से देखने को, यहाँ से आपको आराम से वहाँ आपके एड्रेस तक पहुँचा दी जाएगी। ठीक है, इसमें सिर्फ गम लगाना है, गम लगाने के बाद पिन को उस पर रख के थोड़ा सा ड्राई होने देना है बस, और आपका काम हो जाएगा। ये रख दिया, बस अब ड्राई होने देना है और काम आपका बन जाएगा, और कुछ नहीं है। सिंपल तरीका है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें बन जाती है। ठीक है, देखिए अब रेडी हो गया। अब इस पिन को आप पुश करेंगे तो ओपन हो जाएगी पिन, इनको ऐसे पुश करने से ओपन हो जाती है और पॉकेट पे आप लगा सकते हैं। तो इसी तरह से ये लोगो बैच है, इसी तरह से आप नेम प्लेट बना सकते हो, कोई और शेप का भी आप बना सकते हो। ठीक है, डाईपैड उस जो भी शेप आप बनवाएंगे, अलग अलग शेप होते हैं, ठीक है, तो वो आप बनवा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये लोगो बैच हो गया, अगर ये रेक्टेंगल में अगर बनाया होता तो नेम प्लेट बन जाती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप डाईपैड से बना सकते हो और सेम प्रोसेस रहती है, प्रोसेस कुछ भी यहाँ पे लेंथी नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। देखिए अभी दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक डिजिटल लैनियर्ड है 16 mm की, ठीक है, और ये है हमारे पास जो है वो 12-14 mm की लैनियर्ड है। तो ये जो अपना डाई है, डाई टूल्स है, ये डाई टूल्स है जिससे हम क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे अपने लैनियर्ड को। तो यहाँ पे देखिए ये लैनियर्ड जो फिटिंग करने का टूल्स है वो अलग अलग साइज का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 16 mm, 12, 14 mm, 20 mm। ठीक है, अब देखिए इसमें क्लैंप रखा, क्लैंप के अंदर वो लैनियर्ड फिट की और इसके ऊपर ये हैमर रख के, सिर्फ हैमर इस पर लगाना है और आपकी जो क्लैंप है वो फिटिंग हो जाती है। ये भी एक सिंपल तरीका है और फास्ट तरीके से काम होता है। अगर आपके पास ज़्यादा कार्ड है तो इस तरह से लेके बैठ जाते हैं तो आराम से ये काफ़ी फास्ट तरीके से फिटिंग हो जाती है। और बिल्कुल देखिए जैसे मशीन से फिट की हो। दोस्तों ये है टूल्स जो उससे हम हॉल बनाएंगे, जो लोगो बैच बनाए हैं उसी को हॉल बना के उसी को ही किचन में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टूल्स है और ये उसका आगे हॉल बनाने वाला बीट है। जहाँ पे वॉल बनाना है देखिए इस तरह से रखना है और कुछ भी नहीं करना है, और उसको प्रेस आप करोगे तो वहाँ पे वॉल आराम से बन जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं आपको प्रेस करके भी दिखा देता हूँ, ये टूल्स को ऐसे रखा और यहाँ से क्या करना है, इस तरह से वॉल करना है, बस ऐसे प्रेस करो, प्रेस करोगे वहाँ पर वॉल बन जाता है। और देखिए फिर वहाँ पर जहाँ पर वॉल बनाए वहाँ पर आपकी कड़ी, जो लास्ट वाली कड़ी होती है वो लगा लो तो रिंग आपकी लग जाएगी। तो ये रिंग, ये कड़ी, ये सारी चीज़ें, डाई पेड है, ये सारी चीज़ें आपको इंक्वायरी करनी है तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कीजिए, इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये कड़ी, ये रिंग, ये डाई पेड, ये हॉल मेकिंग टूल्स, आईडी कार्ड का सारा मटेरियल, डाई पेड का सारा मटेरियल आपको चाहिए तो ऊपर में देखिए स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।